गेम ऑफ थ्रोन सीजन 4 एपिसोड नंबर 8। मोल टाउन के पास गिली जहां पर रह रही है अपने बच्चे के साथ, वहां पर वाइल्डलिंग्स अटैक करते हैं। यहां पर टॉर्मोंड जाइंट स्पेन है, यिग्रिट है, साथ ही थेन्स भी मौजूद हैं। ये बहुत सारे लोगों को मार डालते हैं। यिग्रिट एक कमरे में पहुंचती है जहां पर गिली अपने बच्चे के साथ छुपी हुई है। हमें पता चलता है कि यिग्रिट के दिल में भी एक इंसान है और वो भी रहम कर सकती है। वो गिली को इशारा करती है चुप रहने का और वहां से चली जाती है। वो उम्मीद कर रही है कि गिली सेफ हो। वहीं सैम को भी यही उम्मीद है। वॉल पर इन लोगों को पता चलता है कि मोल्सटाउन पर अटैक हो चुका है। सैम को लग रहा है कि हो सकता है गिली मारी गई हो, मगर जो बाकी उसके दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, वो उसे कहते हैं कि गिली ने बहुत कुछ सर्वाइव किया है। वो क्रास्टर की बेटी थी, उसकी बीवी थी, उसने उसके जुल्मों को सहा है, फिर भी वो जिंदा रही। फिर उसका सामना वाइट वॉकर्स तक से हुआ, मगर वो जिंदा है। हो सकता है इस अटैक में वो जिंदा बच गई हो। सैम को इसी बात से उम्मीद हो रही है कि वो शायद जिंदा हो, मगर इन लोगों को एक और परेशानी सता रही है। अब वाइल्डिंग्स ने क्योंकि मोल्सटाउन पर अटैक कर दिया है, ये जगह कैसल ब्लैक के काफ़ी करीब मानी जाती है। इसका मतलब ये है कि वाइल्डिंग्स अब कैसल ब्लैक पर अटैक करने वाले हैं, मगर बहुत कम ही नाइट्स वॉच के लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। एक्चुअली नाइट्स वॉच के जो नंबर्स हैं वो सालों से कम होते जा रहे हैं, अब ये बस कुछ 100 लोग हैं, मगर वाइल्डिंग्स जो आने वाले हैं वो करीब 1,00,000 हैं। What do you tell them? I'm Theon Greyjoy, son of Balon, heir to the Iron Islands. And what are you really? I'm Reek. Are you sure? Ramsay यहाँ पर थियोन के साथ एक प्लान बना रहा है। थियोन को जाना है ग्रेजॉयस के पास, जो मोर्केलिन में छुपे हुए हैं। उन्होंने इस कैसल पर कब्जा किया हुआ है। क्योंकि ये कैसल नेक पर है, इसलिए बहुत सारे लोगों को साउथ से नॉर्थ में आने में तकलीफ होती है। मतलब ग्रेजॉयस जिन्हें चाहेंगे उन्हें ही आने देंगे। अदरवाइज अगर आपको इस हिस्से को क्रॉस करना है तो स्मगल करके जाना होगा, जैसे एक बार रूस बोल्टन ने कहा भी था। I had to smuggle myself into my own lands thanks to the Greyjoys. I needed Theon. I needed him whole. Theon was our enemy. But Rake. Rake will never betray us. थियोन पूरी तरह से रामजी के कब्जे में है। वो खुद को रीक मानता है, मगर यहाँ पर उसे थियोन का कैरेक्टर प्ले करना है। वो मोर्केलिन में जाता है और वहां पर मौजूद ग्रेजॉयस को कहता है कि मैं थियोन ग्रेजॉय हूँ, मैं तुम्हारा प्रिंस हूँ, मेरी बात मानो, बोल्टन्स के आगे घुटने टेक दो, कैसल उनके हवाले कर दो, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, तुम अपने घर जा पाओगे। मगर यहाँ पर जो कमांडर है, रैल्फ कैनिंग नाम है उसका, वो इस बात के लिए राजी नहीं होता। उसे थियोन पर भरोसा नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, मगर उसे लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसका अंदाजा सही साबित होता अगर उसे मार ना दिया जाता। थियोन ग्रेजॉय, व्होएवर द फक यू आर, where in hell are you muttering? अब देखेंगे कि थियोन यहाँ पर वापस रीक के खोल में छुपने वाला था, मगर इससे पहले ही इस कमांडर को मार दिया गया। यहाँ पर जो ग्रेजॉयस बचे हैं वो जिंदा रहना चाहते हैं। वो रामजी के आगे, बोल्टन्स के आगे घुटने टेक देते हैं। मगर रामजी ने अपना किया वादा कभी निभाया है क्या? उसने इन ग्रेजॉयस को मार दिया, इनकी खाल उधेड़ दी। रामजी यहाँ पर थियोन को कहता भी है कि तुम्हें क्या लगा था, मैं इन्हें बख्श दूंगा। उसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं। रामजी पहुंचता है अपने पिता रूस बोल्टन से मिलने। वो यहाँ पर बताता है कि मोर्टकेलिन अब आपका है। रूस बोल्टन उसे एक पहाड़ी पर लेकर जाते हैं और कहते हैं कि आसपास देखो, तुम्हें क्या दिख रहा है? रूस बोल्टन कहते हैं कि ये नॉर्थ है, जो अब मेरा है। इसके साथ ही वो रामजी को एक कागज पकड़ाते हैं और कहते हैं कि अब तुम बोल्टन बन चुके हो। ये राजा की तरफ से आया एक पेपर है जो रामजी को लेजिटिमाइज करता है। हम जानते हैं कि वो रूस बोल्टन की बास्टर्ड औलाद है, मगर अब रूस बोल्टन उसे अपनी जायज औलाद मान रहे हैं। इनफैक्ट पूरा वेस्टरॉस मानेगा। वो प्रॉपर तरीके से लीगलाइज हो चुका है, यानी हाउस बोल्टन की जो जायदाद है, उसका जो नाम है, अब वो रामजी का भी है। अब क्योंकि रूस बोल्टन वार्डन ऑफ द नॉर्थ हैं और विंटरफेल भी अब इनके कब्जे में है, तो ये लोग अब विंटरफेल से ही रूल करेंगे। थियोन ग्रेजॉय, जो विंटरफेल में ही पला बड़ा है, अब वापस वहीं जा रहा है। उसने पूरी जिंदगी बतौर कैदी ही बिता दी।
पहले स्टार्क्स उसके कैप्टर्स थे, अब बोल्टन्स। नैरो सी के पार मेरीन में ग्रेवॉर्म और मिसेंडी के बीच कनेक्शन बन रहा है। होता यह है कि ग्रेवॉर्म मिसेंडी को नेकेड देख लेता है। इसके बाद मिसेंडी अनकंफर्टेबल होती है। बाद में ये दोनों इस बारे में बातचीत भी करते हैं। ग्रेवॉर्म अपनी हरकत के लिए माफी मांगता है। मिसेंडी कहती है, कोई बात नहीं, जाने दो। वो कुछ और बातें उससे पूछती है। वो ग्रेवॉर्म को लेकर क्यूरियस है। वो जानती है कि अनसलिट्स को बचपन में ही कैस्ट्रेट कर दिया जाता है। ऐसे में वो जिस्मानी तौर पर कुछ महसूस कर सकते हैं या नहीं, मिसेंडी समझ नहीं पा रही। उसे लग रहा है कि ग्रेवॉर्म उसमें इंटरेस्टेड है। वो ग्रेवॉर्म को कहती है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, मुझे इस बात का अफसोस है। मगर ग्रेवॉर्म कहता है कि मुझे अफसोस नहीं है। अगर मुझे बचपन में ही अनसलिट्स में शामिल ना किया जाता तो आज मैं डेनेरियस को सर्व नहीं कर रहा होता और ना ही मैं तुमसे मिल पाता। दोनों के बीच एक मासूम सा रिश्ता पनप रहा है। वेल ऑफ आयरन में पीटर बेलिश की सुनवाई हो रही है। यहां पर लॉर्ड डियॉन रॉयस, लेडी आनिया वेनवुड और सर वैंस कॉर्ब्रे मौजूद हैं। ये तीनों इस बात का फैसला करेंगे कि पीटर बेलिश ने लाइसा को मारा या लाइसा ने खुदकुशी की। हमें एहसास होता है कि पीटर बेलिश ने ऑलरेडी एक कहानी बनाई हुई है। उसने कहा है कि लाइसा ने गुस्से में खुद को नीचे फेंक लिया। वो बहुत ज्यादा सुसाइडल थी। वो इस बात पर खेलने की कोशिश करता है कि लाइसा का दिमाग थोड़ा खराब था। ये लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, इनमें से कोई भी लाइसा एरन को पसंद नहीं करता था। मगर इस बात का भी जिक्र होता है कि लाइसा अपने बच्चे को बहुत प्यार करती थी। वो उसे इस तरह से दुनिया में अकेला छोड़कर नहीं जाएगी। पीटर बेलिश को भी ये लोग कुछ ज्यादा पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि वहां पर मौके पर तुम्हारी नीज भी मौजूद थी, हमें उससे भी सवाल जवाब करने हैं। और सामने आती है सांसा। वो यहाँ पर पीटर के रंग में रंग चुकी है। वो बातें तो सच्ची बताती है, मगर आखिरी जो ट्विस्ट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट सच्चाई है कि लाइसा का मर्डर हुआ या सुसाइड था, उसी बात पर झूठ बोल देती है। वो कहती है कि पीटर बेलिश ने मेरा बहुत साथ दिया। किंग्स लैंडिंग में मुझ पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे थे, उन्होंने मेरी शादी इम्प से कर दी। पीटर बेलिश ने मौका देखकर मुझे स्मगल किया और यहाँ पर मेरी आंट के पास पहुंचाया। ये लोग सांसा से हमदर्दी रखते हैं। ये सभी लोग नेड स्टार्क की बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। सांसा यहाँ पर बताती है कि मेरी आंट काफी डिस्टर्ब थी, वो मुझसे जलती थी। उन्हें लगता था कि पीटर बेलिश और मेरे बीच कुछ चक्कर है। ये सारी बातें तो सच है, मगर इसके बाद वो कहती है कि मेरी आंट ने गुस्से में मूनडोर से कूदकर खुदकुशी कर ली। इन सारे लोगों को सांसा पर यकीन हो जाता है। पीटर बेलिश की जान बच जाती है, जो इस बार सांसा ने बचाई है। इन दोनों के बीच शायद टर्म्स अब इवन हो चुके हैं। पीटर बेलिश मौके का फायदा उठाते हुए रॉबिन को वेल ऑफ आयरन से बाहर भेजने की तैयारी शुरू कर देता है। वो कहता है कि रॉबिन को ट्रेन होने की जरूरत है। आगे चलकर वो यहाँ को रूल करेगा, लॉर्ड बनेगा। उसे तलवारबाजी आनी चाहिए, घुड़सवारी आनी चाहिए। रॉबिन वेल ऑफ आयरन से विदा हो जाता है। पीटर बेलिश सांसा स्टार्क से मिलने के लिए उसके चेम्बर्स में पहुंचते हैं। वो पूछते हैं कि तुमने मेरा साथ क्यों दिया, तुमने वहां पर झूठ क्यों बोला। सांसा कहती है कि मैं नहीं जानती थी ये सारे लोग मेरे साथ क्या करेंगे। पीटर इस बात से खुश है कि सांसा उस पर भरोसा कर रही है, बल्कि उसकी टीम में शामिल हो चुकी है। वो वाकई पूरी तरह से उसके रंगरूप में ढल रही है। सैंडर क्लिगेन द हाउंड और आर्या स्टार्क पहुंचते हैं वेल ऑफ आयरन। आपको याद होगा कि सैंडर ने सोचा था आर्या को उसकी एंट लाइसा के पास पहुंचा देगा, बदले में उसे कुछ चांदी के या फिर सोने के सिक्के मिल जाएंगे। उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी, मगर शायद उसकी किस्मत ही खराब है और खासकर आर्या की। ये लोग वेल के दरवाजों पर पहुंचते हैं, बेसिकली ब्लडी गेट्स के दरवाजों पर पहुंचते हैं और उन्हें पता चलता है कि लाइसा मर चुकी है। ये सिचुएशन इतनी अजीब है, मतलब ट्रेजेडी ही ट्रेजेडी हो रही है आर्या के साथ, और इसी ट्रेजेडी में उसे कॉमेडी नजर आती है। वो एकदम से हंस पड़ती है। आसपास मौजूद लोग समझ नहीं पा रहे कि आर्या क्यों हंस रही है, मगर शायद आप रिलेट कर सकते हैं इस बात से। जब बहुत ज़्यादा बुरा होता है तो आप खुद पर और सिचुएशन पर हंसने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। नैरो सी के पार बैरिस्टन सेल्मी को एक बच्चा एक कागज़ का टुकड़ा देने आता है। ये एक स्क्रोल है जिस पर हैंड ऑफ द किंग का निशान लगा हुआ है, यानी ये टाइविन लैनिस्टर ने भेजा है। इस पर रॉबर्ट बेराथियन के सिग्नेचर हैं। ये हमें दिखाए नहीं जाते, मगर आगे पता चलता है।
बैरिस्टन सेलमी इसके बाद जोरा के पास पहुंचते हैं और उसे ये कागज का टुकड़ा पास करते हैं। बैरिस्टन सेलमी यहाँ पर जोरा मॉर्मोंट से कहते हैं कि तुमने डेनेरियस के साथ धोखा किया, तुम अपनी जिंदगी नैरो सी के पार नहीं बिताना चाहते थे और वेस्टरॉस जाना चाहते थे, इसीलिए तुमने उसके साथ गद्दारी की। जोरा बैरिस्टन से कहता है कि मैं डेनेरियस से एक बार अकेले में मिलना चाहता हूँ। इस पर बैरिस्टन सेलमी कहते हैं कि नहीं, अब ये कभी नहीं हो सकता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डेनेरियस ने अपना कोट लगा रखा है, यहाँ पर हर कोई मौजूद है और सामने जोरा विनती लिए खड़ा है। डेनेरियस उससे कुछ सवाल करती है, वो पूछती है कि तुम ये कब से कर रहे हो। जोरा बताता है कि जब इनकी मुलाकात खाल ड्रोगो से हुई थी तब उन्होंने ये सारी खबरें वैरस तक पहुंचाई थी। वो कहता है कि बाद में मैं आपके लिए लॉयल हो गया था, मुझे आप पर विश्वास होने लगा था, मैं आपसे प्यार करता हूँ। डेनेरियस कहती है मगर फिर भी तुमने मेरे साथ धोखा किया। वो कहती है कि जब मैं प्रेग्नेंट थी उस वक्त तुमने ये खबर वैरस तक पहुंचाई थी ना, यानी मुझे जो जहर देने की कोशिश की गई, मुझे और मेरे बच्चे को जान से मारने की जो साजिश रची गई, तुम भी उसका हिस्सा थे, तुम्हारी वजह से ही मुझ पर वो अटैक हुआ। जोरा कहता है मगर मैंने ही आपको बचाया। डेनेरियस कहती है मगर अटैक भी तुम्हारी ही वजह से हुआ। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें मार डालना चाहती हूँ मगर मैं ये नहीं कर सकती, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं जिंदगी में तुम्हारी कभी शक्ल नहीं देखना चाहती। I have loved you. Love? How can you say that to me? Any other man and I would have you executed, but you, I do not want you in my city dead or alive. Go back to your masters in King's Landing. Collect your pardon if you can. अपने टूटे दिल के साथ जोरा डेनेरियस की गली को छोड़कर आगे निकल जाता है। किंग्स लैंडिंग में टीरियन और जेमी एक डंजन में बैठे हुए हैं। जल्द ही टीरियन की जान का फैसला होने वाला है। एक तमाशा होगा जिसमें ओबरियन का मुकाबला होगा माउंटेन से। इन दोनों के बीच तलवारबाजी होनी है, देखते हैं कौन जीतता है। अगर ओबरियन जीता तो फिर टीरियन की जिंदगी बच जाएगी, मगर अगर माउंटेन ने उसे हरा दिया तो टीरियन को सजाए मौत सुनाई जाएगी। ऐसे में यहाँ पर वो अपने भाई से बातचीत कर रहा है, ये लोग अपने बचपन के दिन याद कर रहे हैं, कुछ किस्से डिस्कस कर रहे हैं। टीरियन यहाँ पर इनके एक कजन की बात याद दिलाता है जिसका नाम ऑर्सन लैनिस्टर था। कहा जाता है कि वो जब बहुत छोटा था तब उसे नर्स ने गिरा दिया था सर के बल, जिसकी वजह से उसका दिमाग थोड़ा हल्का हो गया था। उसे हर वक्त लोग बुली करते रहते थे और एक वक्त ऐसा आ गया था जब वो हमेशा गार्डन्स में बैठा रहता था और कीड़े मकौड़ों को मारता रहता था। टीरियन कहता है कि मैं अक्सर सोचता था ये इन कीड़ों को क्यों मारता है, आखिर वजह क्या है, इसे ऐसा करके मिलता क्या है। उसने कई बार ऑर्सन से इस बारे में पूछा भी मगर उसने बस यही कहा कि इन्हें मार दो, स्मैश कर दो। ये लोग इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाते कि ऑर्सन ऐसा क्यों करता था, मगर शायद हम ये समझ सकते हैं क्योंकि टीरियन ने इस बात की शुरुआत में ये भी कहा था कि मैंने जॉफरी का मर्डर किया है या नहीं किया है, उसका फैसला करने के लिए दो और लोगों को एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ना पड़ता है। इस तरह से हमारे ईश्वर फैसला सुनाते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। वो ट्रायल बाय कॉम्बैट को एक्सप्लेन कर रहा है, ऐसा ही होता है यहाँ पर। इस पर टीरियन कहता है कि हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईश्वर कैसा है, वो दो लोगों को बिना मतलब लड़वा रहा है किसी और ही बात का फैसला करने के लिए। Trial by combat. Deciding a man's guilt or innocence in the eyes of the gods by having two other men hack each other to pieces tells you something about the gods. शायद टीरियन ये कह रहा है कि जिस तरह से ऑर्सन कीड़े मकौड़ों को मारता था बिना ये सोचे कि उनकी भी जिंदगी की कोई कीमत है, उसी तरह से शायद ईश्वर के लिए हम सिर्फ कीड़े मकौड़े हैं, हो सकता है। घंटी बजती है, पता चलता है कि अब वो वक्त आ गया है जब टीरियन की जिंदगी का फैसला होगा। वो पहुंचता है मैदान में जहां पर ये प्रोग्राम होने वाला है। वो ओबरियन को देखता है और कहता है कि हेलमेट पहन लो। इस पर ओबरियन कहता है कि नहीं, बिना आर्मर या बिना हेलमेट के मैं ज़्यादा तेज़ी से मूव कर सकता हूँ और मुझे खुद पर भरोसा है। टीरियन उसे कहता है कि अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं भी मारा जाऊँगा, थोड़ा ख्याल रखो। तभी मैदान में माउंटेन पहुँचता है जिसे एलेरिया देखती है और कहती है कि मैंने इससे बड़ा इंसान अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। वो परेशान हो रही है ओबरियन के लिए। वो कहती है कि तुम इससे लड़ोगे? ओबरियन कहता है नहीं, मैं इसे मारूंगा। You're going to fight that? I'm going to kill that. मुकाबला शुरू होता है। ओबरियन पहले कुछ करतब दिखाता है,
कुछ एक्रोबैटिक्स करता है जिसकी वजह से पब्लिक काफ़ी खुश होती है, कुछ लोग तालियां भी बजाते हैं। उसके बाद वो इसी तरह से तेज़ी से माउंटेन को थकाता रहता है, वो उसकी रीच से हमेशा बाहर रहता है। साथ ही वो टॉन्ट भी मार रहा है माउंटेन पर कि तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ। फिर बताता है कि मैं एलिया मार्टेल का भाई हूँ, तुमने उस औरत को मारा था, उसके बच्चों को मारा था और उसे रेप किया था मारने से पहले। तुम्हें आज कन्फेस करना पड़ेगा, तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हें इसके ऑर्डर्स किसने दिए। इस तरह से टॉन्ट मारते मारते वो माउंटेन पर अटैक भी कर रहा है। पहले तो माउंटेन थोड़ा थका हुआ नजर आता है, फिर वो गेम में वापस आता है और ऑबरन पर लीड लेने की कोशिश करता है, मगर ऑबरन इज टू फास्ट फॉर हिम। वो माउंटेन के सीने पर वार करता है, फिर मौका देखते ही वो माउंटेन के पैर पर भी वार करता है। माउंटेन अब लड़खड़ाने की हालत में आ गया है। हमें देखेगा कि जेमी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है, सर्सी अपना सड़ा हुआ मूड लेकर बैठी हुई है, चेहरा भी कुछ ऐसा ही बना रही है। टीरियन को लग रहा है कि शायद उसकी जिंदगी बच जाएगी, ऑबरन वाकई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अपना आखिरी वार करते हुए वो स्पेयर लेकर आता है और तेजी से माउंटेन के पेट पर कूद जाता है। माउंटेन मौत की कगार पर है, मगर ऑबरन का अभी दिल नहीं भरा है, वो उसका पूरी तरह से काम खत्म नहीं करता और अपनी बात, अपना जो टॉन्ट था उसे दोहराना शुरू कर देता है कि एक्सेप्ट करो, नहीं तुम ऐसे नहीं मर सकते, तुम्हें बताना होगा कि तुम्हें किसने ऑर्डर्स दिए थे एलिया मार्टेल को मारने के। वो जानता है कि टाइविन ने ये ऑर्डर्स दिए थे क्योंकि तब वो रॉबर्ट बराथियन के साथ मिल गया था और टारगेरियंस का नामो निशान इस धरती से मिटाना चाहता था। ऑबरन सिर्फ माउंटेन को मारना नहीं चाहता, वो बदला चाहता है, इंसाफ। ये चाहत शायद थोड़ी ज्यादा हो गई। माउंटेन मौका देखता है और ऑबरन का पैर पकड़ के खींचता है, उसे गिरा देता है। एक बार ऑबरन माउंटेन की गिरफ्त में आता है और फिर छूटता नहीं, माउंटेन उसे मारता है, चारों तरफ खून ही खून है। फिर माउंटेन बोलना शुरू करता है, उसके दोनों अंगूठे ऑबरन की दोनों आंखों पर है। वो धीरे धीरे अपनी ग्रिप को और ज्यादा मजबूत करता जा रहा है, कसता जा रहा है। ऑबरन का धीरे धीरे सर फटने की कगार पर है अब। You raped her! You murdered her! You killed her children! Say it. Say her name. Say it! यहाँ पर माउंटेन कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हारी बहन का रेप किया, उसे मारा, उसके बच्चों को मारा, और ऑबरन का सर फट जाता है। साथ ही हम सबकी उम्मीदें भी बलून की तरह पॉप करके फट चुकी हैं। समझ नहीं आ रहा कि अब टीरियन का क्या होगा, क्या वो मारा जाएगा। मतलब ऑबरन मर गया, इतना दुख हम इसको पहले कैसे डील करें, उसके बाद टीरियन के बारे में सोचेंगे। मगर तब तक टाइविन लैनिस्टर अपनी जगह पर खड़े होते हैं और कहते हैं कि ईश्वर ने अपना फैसला सुना दिया है और टीरियन लैनिस्टर के हिस्से मौत लगी है। Tyrion Lannister, in the name of King Tommen of the House Baratheon, first of his name, you are hereby sentenced to death. खत्म हो जाता है ये एपिसोड। पता नहीं क्या होगा, नेक्स्ट एपिसोड का वीडियो जल्दी बनाऊंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। टाटा। एक मिनट, अभी कहीं नहीं जाना है। आप वॉच रोज के सोशल मीडिया पेजेस को लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तब क्या होगा कि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूंगी तो आप तक उसकी फीड पहुंचेगी, जो आप अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं। बाकी कुछ वॉलपेपर्स भी वहां पर पोस्ट होते हैं, कुछ आप बनाते हैं, कुछ हम बनाते हैं। आपस में इस तरह से हम शेयरिंग और केयरिंग करते रहेंगे। बाय।